झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि कल सदन में पेश होने वाले बजट जनता के हित में होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग पर यह कहा है कि पेपर लीक की एसआईटी जांच चल रही है, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। तो देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है, लेकिन वहीं सरकार के पक्ष का कहना है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। एसआई टीम अभी जांच कर रही है और जब उस जांच का कोई निर्णय आता है उस हिसाब से हम आगे निर्णय लेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग का तृतीय अनुपूरक बजट 1,110 करोड़ 59 लाख है। इसमें 1,012 करोड़ 20 लाख रूपए आपदा प्रबंधन के हैं। केंद्र सरकार द्वारा आपदा मोचन निधि में 476 करोड़ 80 लाख क्रमांकित किया गया है, जिसमें 158 करोड़ 40 लाख रुपए राजांश देना है। इसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत में 377 करोड़ रखी गई है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन की राशि घटाने पर गृह विभाग पर मात्र 98 करोड़ की राशि गृह विभाग के लिए क्रमांकित की पूर्ति के लिए 97 करोड़ 67 लाख 27 हजार रुपए की अधिक राशि प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई।